नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निक फ्यूअर यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड क्यों यूज करना चाहिए डेबिट कार्ड की जगह पे। अगर आपके पास दोनों हैं तो आपको दोनों में से क्रेडिट कार्ड को ज्यादा इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, क्या आपको बेनिफिट होते हैं क्रेडिट कार्ड के यूज करने से, तो ये सब आपको इस वीडियो के बाद में पता चल जाएगा। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों देखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन डेबिट कार्ड के केस में हम अपने अकाउंट में जमा राशि का ही इस्तेमाल कर सकते हैं परचेस करने के लिए, ऑर्डर करने के लिए, खरीदारी करने के लिए। लेकिन क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं होता। क्रेडिट कार्ड में आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपको उधार पैसे देता है यूज करने के लिए, और उसकी एक लिमिट होती है। तो क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स की बात करें ओवर डेबिट कार्ड, तो पहला बेनिफिट ये है कि क्रेडिट कार्ड पे हमेशा आपको डिस्काउंट मिलता है। जब भी आप ऑनलाइन वेबसाइट को जाते होंगे, फ्लिपकार्ट और अमेजोन, तो आपको वहां पर दिखता होगा कि इस वाले कार्ड पे ये कैशबैक है, ये ऑफर है, ये डिस्काउंट है। तो जो भी डिस्काउंट होते हैं, जो भी ऑफर होते हैं, आपको वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर ही मिलते हैं ज़्यादातर केसेस में। ऐसा कभी कभी होता है जब आपको किसी डेबिट कार्ड के ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट छोटे मोटे नहीं होते, 10 से 15 और 20-20% तक के डिस्काउंट आपको मिलते हैं क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल करने से। और ये सब क्रेडिट कार्ड कंपनियाँ कस्टमर को अपनी तरफ खींचने के लिए करती हैं। तो पहला बेनिफिट तो आपका ये हो गया, और दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर आप डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको पूरा पैसा एक बार में देना पड़ेगा, और बाद में आपकी ज़रूरतें पूरी ना हो पाएंगी। मान लीजिए आपके पास लिमिटेड पैसा आपके डेबिट कार्ड में है और आपने कोई लैपटॉप खरीद लिया 40,000 रुपये का, तो एक बार में आपको पूरा पे करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको डेबिट कार्ड के केस में EMI का ऑप्शन नहीं मिलता, यानी कि आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर सकते। लेकिन क्रेडिट कार्ड के अंदर आप बहुत ही कम इंटरेस्ट लगता है, और आप उसको EMI पे कन्वर्ट करके आराम से 4, 5, 6, 7 जितनी भी आपको सुविधा लगे उतनी इंस्टॉलमेंट में आप उसकी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये वाला जो बेनिफिट है बहुत ज़्यादा खास है। तो इसके अगला बेनिफिट ये है कि मान लीजिए आपने अपने डेबिट कार्ड में बहुत सारा पैसा स्टोर किया हुआ है, आपकी वो जिंदगी रखी कमाई है, और ऐसे में आपसे आपका डेबिट कार्ड खो जाता है, तो आपकी पूरी की पूरी कमाई एक बार में गायब हो सकती है। लेकिन क्रेडिट कार्ड के केस में ऐसा नहीं है। आप सिर्फ क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्रेडिट कार्ड ही कैरी करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड अगर आपका खो भी जाता है या आपकी जानकारी लीक हो जाती है, पासवर्ड वगैरह, तो उस केस में क्रेडिट कार्ड आपको एक लिमिट देता है कि लिमिट के बाद में आप खर्ची नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि क्रेडिट कार्ड में एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा आपके क्रेडिट कार्ड से खर्चे नहीं हो सकते, लेकिन डेबिट कार्ड में जितनी भी आपकी जमा पूंजी होगी वो सारी की सारी एक बार में उठ सकती है अगर आपका कार्ड खोता है और आपकी जो पासवर्ड और OTP की जानकारी अगर लीक हो जाती है। और इसके अगला बेनिफिट है कि क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल करने से आपका क्रेडिट स्कोर बनता है, जिसको कि आप सिबिल रिपोर्ट कहते हैं। उसके बेसिस पे आपको फ्यूचर में आने वाली किसी भी समय में आपको लोन के लिए अप्लाई करना है तो लोन मिलने में आसानी रहती है। यानी कि आपका क्रेडिट स्कोर क्रेडिट कार्ड से ही बनता है। डेबिट कार्ड पे आप जितना भी खर्च कर लें आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं हो सकता। जब तक आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं होगा तो आपको बड़ा लोन लेने में दिक्कत रहेगी, और लोन को अप्रूव कराने में भी बहुत दिक्कत रहेगी। तो क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से आपका सिविल स्कोर अच्छा हो जाता है। और इसका अगला बेनिफिट ये है कि आपको क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल करने से रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट्स जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं कभी भी शॉपिंग करने के लिए, या कोई शॉपिंग के वाउचर खरीदने के लिए, खाने के वाउचर्स खरीदने के लिए, मूवी टिकट्स के वाउचर खरीदने के लिए, या फिर आप उसको कैश में भी रिडीम कराने का ऑप्शन कई सारी क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको दे देती है। ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है कोई डेबिट कार्ड कंपनी आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट दे रही हो। तो ये सब तो थी बेनिफिट की बात। बेनिफिट क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे हैं, लेकिन तभी हैं जब आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को टाइम पे कर देते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिल को टाइम पे नहीं पे करेंगे तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ जाता है। थोड़ा सा अटेंशन रखें, ध्यान रखें, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते समय बिल जनरेट हो गया है, बिल की ड्यू डेट से 1-2 दिन पहले अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके क्रेडिट कार्ड का जो भी बिल है आप उसको भर दें, तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत लोग कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड खराब होते हैं, बर्बाद हो जाते हैं लोग, वो बात एकदम गलत है। वो उन लोगों के लिए होता है जिनको कंट्रोल नहीं होता अपने खर्चे पे, उन्हें पता ही नहीं कि मेरी आमदनी कितनी है, मुझे कितना खर्चा करना चाहिए, या फिर मैं इसका बिल कैसे भर पाऊंगा। उस कंडीशन में उनके साथ ऐसा हो जाता है। अगर आप एक कॉन्शियस इंसान हैं, ध्यान रखते हैं कि कब बिल पे करना है और आपको कितना खर्च करना है,
तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना डेबिट कार्ड के इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें मुझे आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में बतानी थी। आप समझ गए होंगे कि क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल करने से क्या क्या फ़ायदे आपको होते हैं और नुकसान तो आप जानते ही हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि फ्यूचर में आने वाली जो वीडियोज़ होती हैं क्रेडिट कार्ड टेक्नोलॉजी से संबंध उनके बारे में हम आपको जानकारी यहाँ पर देते रहते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करूँगा और आपसे मिलूँगा अपने आने वाले किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें और सीखते रहें कोई नई टेक्निक। थैंक यू।